नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद के सिरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की क्वालिटी फुटवेयर इंडस्ट्री नाम की जूता बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक 70 से 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की सूचना मिलने पर देर रात से ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कंपनी में आग लगने से करोड़ों के माल का नुकसान होना बताया जा रहा है। हादसे के वक्त 10 से 15 आदमी मौके पर थे और सभी सुरक्षित हैं, कोई जान के नुकसान नहीं हुआ है। क्या सुनाम, क्या डिजिनेशन आपकी सर? सतवीं से सब इंस्पेक्टर, इस समय चौकी इंचार्ज काम कर रहा हूँ। सर, आग लगी है इंडस्ट्री एरिया में, क्या था सर पूरा मामला? ये रात को करीब 10:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि सरूरपुर फैक्ट्री एरिया में प्लॉट नंबर 32 गली नंबर 6 सरूरपुर में जूते की फैक्ट्री है क्वालिटी फुटवेयर इंडस्ट्रीज के नाम से जी। उसमें अपना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें रात से मौके पर थे और लगातार आग को काबू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। तो सर, करीब 70-80 गाड़ियां अब तक फायर ब्रिगेड लग चुकी हैं। देखो, शाम तक शायद उम्मीद है शायद शाम तक काबू पा लिया जाए। सर, कितने लोग थे जब जिस टाइम आग लगी कंपनी के अंदर? कितने लोग? 10-15 आदमी थे। वैसे 10-15 आदमी थे उस टाइम कंपनी के अंदर थे, बाकी कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई है, कंपनी का नुकसान हुआ और कोई ऐसी बात नहीं। तो कितना जो माल है वो जल के खाक हुआ है? माल तो करोड़ों का माल बता रहे हैं जी। उसमें प्लास्टिक का, रबर का, जूते बनाने का केमिकल वगैरह होते हैं, तो उनमें बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कितना प्रयास पुलिस को करना पड़ रहा है कि आग काफी बड़ी है? काफी बड़ी आग है ना, है तो अंदर कंपनी के अंदर ही आ गए। इधर उधर के प्लॉट खाली करा दिए गए हैं, जो और दूसरी कंपनी है वो शायद से खाली करा दिए। बाकी प्रयास जारी है, अभी लगातार फायर ब्रिगेड गाड़ी लग रही है, हम भी लगे हुए हैं। जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। अंबाला के बाल सुधार गृह से एक सनसनीखेज आत्महत्या का मामला सामने आया है। फतेहाबाद से चोरी के मामले में संरक्षण पर लिए गए किशोर को अंबाला लाया गया था। इस 17 वर्षीय किशोर ने बाल सुधार गृह में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों को पता चला तब उन्होंने अस्पताल में आकर हंगामा किया, कहा कि उस बच्चे ने आत्महत्या नहीं की है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि अब यह मामला गंभीर होता जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह बच्चा 13 जनवरी को फतेहाबाद से लाया गया था और उसे चोरी के मामले में पकड़ा गया था। इस मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है, जबकि मृतक की बहन ने बताया कि उसका भाई किसी के घर में घुस गया था और वहां पर मौके पर पकड़ा गया तो उसे फतेहाबाद के पुलिस थाने में ले जाया गया। उसकी बहन ने बताया कि वहां उसके भाई को बहुत मारा गया और उसके बाद उसे अंबाला में बाल सुधार गृह में ले जाया गया और अब उन्हें यह सूचना मिली कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है। बहन ने बताया कि उसका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता, उसके शरीर पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि उसके भाई ने आत्महत्या की है। उसने पुलिस पर संगीन आरोप लगाया है कि उसके भाई को पुलिस वालों ने मारा है और वह इंसाफ की मांग कर रही है। चोरी के मामले में तो ये है कि वो ना बस किसी के घर में घुस गया था, बस मौके पे पकड़ा गया, उसके बाद उसको ले गए हमारे वहाँ फतेहाबाद चौकी में, बहुत ज्यादा मारी है। उसके बाद उसको यहाँ ले आए, यहाँ ले आए तो यहाँ से कल फोन आया कि आपके भाई ने फांसी लगा ली। अभी हमने पोस्टमार्टम में देखा, ना ही तो उसके निशान है फांसी के, ठीक है, और ना ही अंदर जाने दे रहे, ना ही फोटो लेने दे रहे, बस धक्के पे धक्के मारे जा रहे हैं। यानी साइट नहीं करी, पुलिस वालों ने मारा है मेरा भाई, बस ना ही उसके गले में कोई निशान है, फांसी का कह रहे फांसी लगा ली। मैं नहीं मानती ये बात, बस मैडम जी हमें तो इंसाफ चाहिए। कल शाम को सूचना मिली थी, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होम है, इसमें एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, तो वहाँ जाकर पता किया कि ये बच्चा परसों शाम को यानी कि 13 तारीख को फतेहाबाद से आया था और चोरी के किसी मामले में यहाँ पर ये बंद था और इसकी कार्रवाई है जो हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन द्वारा की जा रही है। पलवल जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। होटल से यह पुलिस ने एक बार फिर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर 13 देसी कट्टे बरामद किए हैं। आरोपी कार में राजस्थान से हथियारों को अपने गांव ले जा रहा था और पुलिस ने करमन बॉर्डर पर नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। खास ने सूचना दी थी कि ऐसे रहे बात है, संजीत अपनी डिजायर गाड़ी के अंदर कुछ इलीगल वेपन लेकर अपने गांव में जा रहे हैं, राजस्थान से लेकर आए, जो हमने नाकाबंदी करके इसको काबू किया और
गाड़ी की तलाशी लेने पर इसे 13 देसी कट्टा बरामद किए गए। तो सर ये किस लिए लेकर आ रहा था, तस्करी करता है क्या करता है? ये तस्करी करता है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड ये, इसके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे अन्य धाराओं में दर्ज है। किस किस मामले में दर्ज है? लूट में है, स्नैचिंग में है सर, और आर एम एक्ट के एक अन्य मुकदमा दर्ज है। इसको होटल से गिरफ्तार किया है। तो सर क्या इसमें और भी अपराधी शामिल है कि अकेला ही? अभी इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, पुलिस रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और आगे जैसा भी होगा जिन जिन व्यक्तियों का नाम है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उसे उपचार के लिए शहर के बीके अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां गंभीर हालत होने के चलते उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। आरपीएफ बल्लभगढ़ के सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार ने बताया कि अभी इस बात का पता नहीं चल पाया कि युवक किस ट्रेन की चपेट में आया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल युवक के भाई शाहरुख के माने तो उसका भाई अपने दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ गया था। उसने बताया कि उसका भाई अक्सर इन्हीं दोस्तों के साथ वहां पर घूमने जाया करता था, लेकिन सूचना जब मिलने पर उन्हें रेलवे ट्रैक पर देखा तो वहां पर उसका भाई लहूलुहान हालत में अकेला पड़ा हुआ था। बहरहाल यह घटना कोई आम ट्रेन हादसा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। सर एक ट्रेन हादसा है सर, क्या था ये पूरा मामला? पूरा ये लाइन क्रॉसिंग कर रहा था, किसी गाड़ी की चपेट में आ गया है जी। तो क्या पूछताछ में कुछ पता चल पाया? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसका नाम पता कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो सर कहाँ हादसा हुआ है ट्रेन हादसा? नहर के पास, सोना नहर के पास, किलोमीटर 1502 के 16:18 पर। कितने लोग थे सर इस लड़के के बच्चे के साथ? ये तो अकेला था जी। जब हम पहुँचे हैं तब वहाँ पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी पहुँच चुकी थी पहले जी। तो फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया इसको? हाँ, फरीदाबाद इसको लाए हैं, इसकी हालत ठीक नहीं है, फरीदाबाद बी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो यहाँ से डॉक्टर रेफर कर रहे हैं सर? ये रेफर कर रहे हैं, कह रहे हैं रेफर करने के लिए बोल रहे हैं जी। ये अपने दोस्तों के साथ लाइन पार गया था, उनके साथ अब ये उनके साथ साथ चला गया, पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ। इसको यहाँ पर लिया है। कैसे सूचना मिली कि ट्रेन हादसे से शिकार हुए? कैसे सूचना मिली आपको? एक हमारे बगल में सरदार जी, उन्होंने बताया कि आपका बंदा रेल के फाटक पे पड़ा है, उसका हाथ वाथ कट गया है जब हम यहाँ पर आए बीके में। तो क्या वजह थी, कोई मामला ऐसा आ रहा है फोन छीन के भाग रहे थे, क्या था? नहीं, ये इनके साथ गए थे, ये इनके साथ पीते खाते, ये कल्ली गांव से आया था शिकारपुर से। सफीदा में हुई शराब ठेकेदार की मौत के बाद शहर में सनसनी फैल गई है। 31 वर्षीय युवक की मेन चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका नाम गौरव अग्रवाल बताया गया है। उसके निवास स्थान पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में हरियाणा सीएम मनोहर लाल के पूर्व मीडिया सलाहकार व बीजेपी नेता राजीव जैन पहुंचे और अग्रवाल परिवार का ढांढस बताया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही कि ये बात सीएम हाउस तक पहुंच चुकी है और पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करके कड़े आदेश दिए गए हैं। जैन ने कहा कि किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। गौरव अग्रवाल की कल जो है गोली मारकर हत्या की गई है, बहुत ही दुखद जो है घटना है और जघन्य है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आज जो है परिवार के उनके पिता और उनके भाई को जो है सांत्वना देने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और मैंने इस घटना के बारे में चंडीगढ़ में उच्च पुलिस अधिकारियों को भी जो है इस घटना की जानकारी हालांकि उनको हो गई थी पहले ही, तो उन पर जो है उनसे यही जो है निवेदन किया है कि जल्द से जल्द दोषियों को जो है गिरफ्तार किया जाए और उनको जो है सजा दी जाए। सर यूपी में बदमाशों को खौफ था योगी सरकार का, लेकिन हरियाणा में ऐसा देखने को नहीं मिला। सफेदों में काफी वारदातें हो चुकी हैं, चाहे वो लूटपाट की हो, चाहे व्यापारी भाइयों को तंग करने की बात हो, लेकिन 31 साल के युवा को जान देनी पड़ी बदमाशों के कारण। अभी जो है 3 दिन पहले भी मैं जब सफेदों आया था तो यहाँ के सभी व्यापारी भाइयों ने मुझे जो है यहाँ के हालात के बारे में चर्चा की थी, और मैंने कल ही सुबह मुख्यमंत्री जी से सारे हालात जो है यहाँ के बताए थे, और निश्चित तौर पर जो है सरकार सुरक्षा के प्रबंध करेगी और जितने भी इस तरह के बदमाश हैं उनको जो है पकड़ने का काम करेगी। और अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे कैथल हो, जींद हो, पेवा में हो, फिरौती की जो मांग आई थी, कनीना की बात हो, हर जगह जो है दोषियों को गिरफ्तार करने का काम जो है पुलिस प्रशासन ने किया है। अभी एक हफ्ता पहले जो है समालखा के अंदर भी एक व्यापारी को गोली मारी गई थी और उनके भी जो दोषी हैं जो घटना में संलिप्त थे उनको भी जो है कल ही गिरफ्तार किया गया है। और मैं ये जो है विश्वास दिलाता हूँ कि
गौरव अग्रवाल के जो हत्यारे हैं वो भी बच्चे को नहीं। कैथल विधानसभा के गांव सजुमा के शमशान घाट में निर्माणाधीन दीवार गिरने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विधायक और डीसी से इस मामले में जांच कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दीवार बनाने के लिए घटिया सामग्री और कच्ची पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पूरे मामले में जिला परिषद जय सतीश कुमार ने कहा है कि शमशान घाट में बनाए जा रहे हाल की दीवार बारिश के कारण ढह गई थी। उन्होंने कहा कि निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गांव सजुमा शमशान घाट में हाल के निर्माण के दौरान जो कच्ची ईंटों की शिकायत मिल रही थी उनको बदलने के निर्माण एजेंसी को बोल दिया गया है। बरसात के कारण जो दीवार ढह गई थी उसे भी दुरुस्त करवाया जा रहा है। हाल निर्माण के किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने कैथल विधायक लीलाराम गुर्जर से व कैथल डीसी से इस कार्य की गहनता से जांच करवाने की अपील की है। समस्या जी देखिए 5280 रुपए का रेट मिलता है गवर्नमेंट पे थे और ये 1000 रुपए को नहीं। देखिए ले ले यो बुरा ले निर्माण किया है देखिए कितने दिन चल रही है। 4 दिन बड़ी ना कोने इससे पहले ही गिर गया। तो कब से चल रहा भाई कार्य? ये कार्य तो 15-20 दिन हो गए जी। दोबारा ही फिर लग गए बनाने। पहली गिर गई इब दोबारा फिर लग गए बनाने। इसने ईंट वाए फिर यूज लग रहे करने वेस्टिंग का जी कचरा का जी। तो आपने कोई अधिकारियों से या कोई किसी से बात की इस मामले में? अधिकारी आए थे कल देख के फिर बगे जी वापसी। आप मिले हो अधिकारियों से? पहले निकल के जी मरते पहले ही। तो आपकी बात नहीं हुई? नहीं हुई जी बात। तो अभी ये कार्य चल रहा फिर तो अब क्या कदम रहेगा आपका अगला? हम तो ये कह रहे हैं जिसको रुकवाए दो जी, रुकना चाहिए या ईट बढ़िया लगा दो एक नंबर की, माना कोई दिक्कत नहीं। ये सारा पैसा अंटन का जी, सिर्फ दिखावा है तो भाई बनाया दिया चले अंटे पीछे आप सारा वक्त मिली है आप सरंग मिल रहा सौदा सारा। थाना सदर के अंतर्गत कुलाम पुलिस चौकी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बाइक चोरी मामले में टोहाना के तिलक नगर निवासी प्रभात उर्फ नानू को गांव अंकावाली के बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उसके घर से 7 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद किए गए मोटरसाइकिल आरोपी ने रतिया टोहाना व कुला से चोरी की थी। पुलिस आरोपी युवक को माननीय अदालत में पेश कर बाइक चोरी के अन्य मामले में शामिल जांच करेगी। आरोपी चोरीशुदा मोटरसाइकिलों को पंजाब में कहीं बेचने की फिराक में था कि उससे पहले ही वह कुला चौकी पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गया। कुला चौकी जो थाना सदर के अधिकार क्षेत्र में आती है वहां की हमारी टीम ने जो है दिनांक 12 जनवरी जो है अभी उसको एक प्रभात नाम के लड़का जो टोहाना का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। जो सदर टोहाना में मोटरसाइकिल चोरी के 2 अभियोग अंकित थे जो इससे दोनों मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई हैं और सिटी थाना टोहाना की 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और रतिया से चोरी हुई 3 मोटरसाइकिलें जो है वो भी बरामद हुई हैं। इस प्रकार कुल 7 मोटरसाइकिल जो है इस आरोपी से बरामद की गई है और इसको जो है नियमानुसार गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पे लिया गया था। ये कोई गैंग है अकेला चोरी करता था कोई और? ये अकेला जो है वो चोरी करता था और इसको गिरफ्तार किया गया है। आज पेश अदालत करके जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जाएगा। तो ये कहाँ बेचता था इसके बारे में कुछ और जानकारी सामने आई है? किस तरह से पकड़ा गया? इसके घर से जो है ये बरामद हुई है और इसका जो है ये चोरी कई मोटरसाइकिल पे था और वहाँ जो है जैसे पूछताछ की संदिग्ध अवस्था में इससे तो ये बात फिर सामने आई है और इसके घर से जो है टोहाना से ये 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। फरीदाबाद में एक एकड़ रेप के बाद 4 नाबालिग बच्चियों की हत्या कर निठारी हत्याकांड की याद दिलाने वाले फरीदाबाद के सीरियल किलर सिंहराज का शिकार हुई बच्चियों के परिजन अब समय पर पुलिस कार्रवाई न होने से खफा नजर आ रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद उनकी बच्चियां जिंदा होती। हालांकि एक मामले में पुलिस ने आरोपी सिंहराज को पकड़ा भी था लेकिन इसे उम्रदराज होने की बात कहकर छोड़ दिया गया। मृतक बच्चियों के परिजनों की यह मांग है कि जिन पुलिस वालों ने पहले सिंहराज के मामले में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने जो है CIA में हमारा जो केस था वो यहाँ था सेक्टर 16 की चौकी में, 16 की चौकी में हमने केस दर्ज किया था। तो उन्होंने 9 दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जब कोई सुनवाई नहीं की हम CP साहब के यहाँ पेश हो गए। CP साहब ने जो है हमारी उस पे दरखास्त पे वो जो है भड़कल CIA को केस दे दिया। भड़कल CIA ने तकरीबन 1 हफ्ते तक मेहनत की। यहाँ तकरीबन 15 दिन वो जो है यहाँ रहे इसमें सेक्टर 16 में
और यहाँ कैमरे वगैरह सारी जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह की, तो दो कैमरों में लड़की दिखाई दी, एक इस गली के कैमरे में और एक सिटी हॉस्पिटल के पीछे वाले कैमरे में। तो वहां जाकर के आगे जो है सागर सिनेमा में सिटी हॉस्पिटल से जो आगे कोठी में जो कैमरा लग रहा है उसमें लड़की दिखाई नहीं दी है। तो हमने उससे ये कहा, मैंने कि जी लड़की हमारी तो आई है, इसका मतलब जब लड़की ने ये कहा कि मैं सिटी हॉस्पिटल में आई हूं, तो लड़की सिटी हॉस्पिटल में आई थी। जब सिटी हॉस्पिटल में आई तो हमने उससे बार बार कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमने पूछताछ कर ली है बड़कल CIA वालों ने, आपने जो है लड़की इस गली से गई होगी, गीता मंदिर वाली गली से। मैंने कि जी जनाब आप इस एंगल को देख रहे हैं, आप इस एंगल को क्यों नहीं कहते कि लड़की अंदर गई है, हॉस्पिटल के अंदर लड़की गई है। हम तो ये चाहते ना, हमारा तो सोच ये है कि लड़की बजाय इस जाने के जब लड़की ये कह के आई है तो अंदर भी तो जा सकती है। तो हम उनसे ये कहने लगे बार बार, तो उन्होंने हमारे इस इसरार पर जो है बार बार हम जब इस बात को कहते रहे तो उन्होंने जो उठाया उसको, किसको उठाया था? गार्ड को, सिंहराज को, सिंहराज को उठाया। एक दिन उसे बैठा के रखा है, पूछा है, उससे पूछताछ की है। तो उन्होंने बड़कर CIA ने ये कहा ना कभी ये तो बुड्ढा आदमी है, इसके पास कोई सबूत हमें नहीं मिला, इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने उसे जो है छोड़ दिया है। फिर हम बार बार अटैच में रहे, एक महीना तक CIA यहाँ पड़ी रही सेक्टर 16 में, और मेहनत करती रही। CCTV फुटेज में जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमारी फाइल जो है 17 में पहुंचा दी। अगर उसी दौरान जिस SI के हाथ में हमारा केस था, वो क्या नाम था उसका, बंसीलाल के हाथ में केस था, अगर बंसीलाल चाहता तो उस दिन जो है उसके बेसमेंट के अंदर देख करके ढूंढ करके अगर लड़की जिंदा नहीं मिलती तो जो है लाश तो कम से कम हमें उसी दिन जो है रिकवर हो जाती। मतलब आपका कहने का मतलब कि आप पुलिस आती तो वो कार्रवाई करती। हाँ, तो जो है लड़की की जान बच सकती थी, बच सकती थी लड़की की जान। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।